बिहार के आरा के रहने वाले एक 10वीं पास फ्रॉड ने महामारी के इस दौर में अपनी हरकतों से बिहार को शर्मसार कर दिया। ऋतिक कुमार सिंह उर्फ ऋतिक प्रताप सिंह नाम के इस फ्रॉड ने पहले खुद को यूथ आइकन घोषित किया, फिर देश भर में इंडिया यूथ आइकन टीम खड़ा किया। जब कोरोना महामारी फैली तो लोग ऑक्सीजन के लिए बेचैन हो गए। इस यूथ आइकन ने मरीजों को ऑक्सीजन देने के नाम पर देश भर में 50 से ज्यादा लोगों से ठगी कर ली। हालांकि दिल्ली पुलिस की टीम ने उसे अब गिरफ्तार कर लिया है। आरा के रामनगर का रहने वाला ऋतिक कुमार सिंह उर्फ ऋतिक प्रताप सिंह पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। दिल्ली पुलिस की टीम ने उसे उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से ठगी में इस्तेमाल किए जा रहे 2 मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। उसके बैंक खातों का भी पता चला है जिसमें वह UPI के जरिए पैसे मंगवा रहा था। पुलिस के मुताबिक उसने देश भर में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन देने के नाम पर ठगी की। इसमें उसका एक साथी भी शामिल था। यूपी के गाजीपुर के रहने वाले संदीप पांडे नाम के उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ऋतिक पर अप्रैल से अब तक कई राज्यों के 50 से अधिक लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ठगी के पैसे को जमा करने के लिए ऋतिक प्रताप सिंह ने कई बैंक खातों का इस्तेमाल किया है। पुलिस ने बताया कि ऋतिक कुमार सिंह कोविड पॉजिटिव रोगियों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके दरवाजे पर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा करता था। सिलेंडर पहुंचाने के लिए वह UPI के जरिए पैसे की मांग करता था। पैसे आने के बाद किसी को सिलेंडर की आपूर्ति नहीं की गई। पिछले 2 मई को ऋतिक कुमार सिंह उर्फ ऋतिक प्रताप सिंह के खिलाफ दिल्ली में FIR हुई थी। दिल्ली के विवेक विहार में पुलिस थाने में फोन कर एक व्यक्ति ने शिकायत की कि उससे ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान करने के बहाने मोटी राशि की ऑनलाइन धोखाधड़ी की गई है। विवेक विहार पुलिस ने एक्शन में आते हुए मामले की जांच SI अर्जुन सिंह को सौंपी। पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो दिल्ली के विवेक विहार निवासी संचित अग्रवाल ने बताया कि उनकी मां वंदना कोरोना पीड़ित होकर काफी बीमार थी। मां के लिए उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ी थी। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश में उन्होंने इंस्टाग्राम पर फैलाए जा रहे हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क किया। एक नंबर पर बातचीत हुई तो उनसे कहा गया कि वे पैसे का भुगतान कर दें तो उनके घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंच जाएगा। संचित अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने और उनके पिता ने 2 सिलेंडरों के लिए पेटीएम के माध्यम से 14,000 रुपये का भुगतान किया, लेकिन उन्हें कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला। बाद में उन नंबरों को स्विच ऑफ कर दिया गया। तब उन्होंने पुलिस में गुहार लगाई। FIR के बाद छानबीन में जुटी दिल्ली पुलिस की टीम ने उस बैंक और पेटीएम अकाउंट की जानकारी लेनी शुरू की जिसमें पैसे मंगवाए गए थे। पता चला कि धोखेधड़ी के लेन देन को पेटीएम वॉलेट में जमा किया गया था जो कि संदीप चाय के नाम पर रजिस्टर्ड था। वहीं धोखेधड़ी से ठगे गए 14,000 रुपये को UP के गाजीपुर जिले के सिद्धगढ़ स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में ट्रांसफर कर दिया गया था। वह खाता संदीप पांडे के नाम था। उस खाते से जो मोबाइल नंबर लिंक था उसी मोबाइल नंबर का उपयोग ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर पैसे की ठगी के लिए किया गया था। पुलिस ने आगे जांच की तो पता चला कि धोखेधड़ी से आ रहे पैसे को गाजीपुर के यूनियन बैंक से बिहार के आरा के चौक बाजार स्थित सेंट्रल बैंक में ट्रांसफर किया जा रहा था। वह खाता आरा के रामनगर निवासी ऋतिक कुमार सिंह के नाम पर है। पुलिस ने और छानबीन की तो पता चला कि पूरे रैकेट को ऋतिक संचालित कर रहा है और उसमें संदीप उसका भागीदार है। ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर ऋतिक कुमार सिंह के खाते में 4,23,000 रुपये ट्रांसफर हुए। वहीं उसके साथ ही संदीप पांडे के खाते में 2,43,000 रुपये आए। जाहिर है कि ठगी के पैसे का बड़ा हिस्सा ऋतिक कुमार सिंह के पास पहुंच रहा था। आरा का रहने वाला ऋतिक कुमार सिंह और ऋतिक प्रताप सिंह सिर्फ 10वीं कक्षा तक पढ़ा लिखा है। वह पिछले कुछ सालों से दिल्ली में रह रहा है। उसने पहले खुद को यूथ आइकन घोषित किया, फिर एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। उसने युवाओं को ख्वाब दिखाया कि वह वैसे लोगों को जोड़ना चाहता है
जो समाज में यूथ आइकन के तौर पर काम कर रहे हैं। ऋतिक कुमार सिंह उर्फ ऋतिक प्रताप सिंह ने पुलिस के समक्ष ये दावा किया कि उसकी पार्टी का हेडक्वार्टर ग्रेटर नोएडा में है और वह उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उसने दावा किया कि देश के 8 राज्यों में 18 लाख युवा उसकी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। उसने एक कंपनी भी बना रखी है जिसके नाम पर तकनीकी संस्थानों में छात्रों का एडमिशन कराने का दावा करता है। पुलिस को शक है कि इसमें भी वह बड़े पैमाने पर हेराफेरी कर रहा होगा।